अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान मुसव्वर अली। कबतिनो ज़रा ये दुकानें यहाँ पे ओपन थी प्रॉपर। ये आप लोग कहेंगे कि जी लॉकडाउन है तो कारोबार कोई कैसे करे, तो लेकिन ये है कि कानून भी कोई चीज़ होती है। दरोग पर गदने रावी तलाक की गई, उनको मैंने 15 पे पहले कॉल की है, 15 पे कॉल करके तो यहाँ पे 15 वालों ने मुझे हाजीपुरा थाने का नंबर दिया था। हाजीपुरा थाने वालों ने आगे मुझे किसी मोबाइल का नंबर दिया था कि अली जैन नाम का कोई शख्स यहाँ पे ड्यूटी पे है, तो उन्होंने कहा जी वकुआ हुआ है, हम वहाँ पर बिज़ी हैं। तो किसी ने सुनवाई नहीं दी इस चीज़ की। दोबारा 15 पे कॉल करने पे ये पुलिस अफसरान यहाँ पे आए हैं, और वो जो दुकान है वहाँ पे 6 खवातीन पहले से मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमने मौके पे इत्तला दिया पुलिस अफसरान को, अब देखते हैं कि फर्दर क्या प्रोसेस करते हैं। ये बंदे यहाँ पे पहले से खड़े होते हैं, ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे इनके पास चाबी हैं, इनसे कंफर्म करें आप, बताते हैं ये आपको। वाजिद क्या नाम है आपका? सरमद फयाज। सरमद फयाज जी, नेम चेंज नहीं करिए आप? नहीं, सरमद फयाज नाम है इनका। तो ये दुकान है यहाँ पे गली, यहाँ पे 6 खवातीन अंदर पहले से मौजूद हैं। वो स्वैप कर रहे हैं जी? जी करें आप, मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कोई विदाउट किसी रीज़न के मैं वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है? आप सर, आप ऑन ड्यूटी आप आ गए हैं ना, मैंने रिस्पांस किया है, रिस्पांस आपने किया है, लेकिन मसला सिर्फ ये है, मसला सिर्फ ये है कि मुझे थर्ड नंबर से पढ़ ला जो बनती होगी इनकी करेंगे जरूर, मुझे पता है, लेकिन जाब्ता फौजदारी की दफ़ा 22 अलीफ और बे के तहत मैं बजा सकता हूँ प्रॉपर, जाब्ता फौजदारी की दफ़ा 22 अलीफ और बे के तहत मैं एफ आई आर कटवाने का मजा सकता हूँ DCO CPO या जस्टिस ऑफ पीस को दरोगा करने का भी तलाक कर दिया। तो आप इस पे करेंगे जी? मैं कर सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे हक है। नहीं, मैं किसी को इकट्ठा नहीं कर रहा, बड़ी माजरत। प्लीज़ यहाँ पे रश ना डाले, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि शटर ओपन नहीं कर रहे, तो आपको मौके से तला देते हैं। वो दुकान है ना, आप भेज देने हज़रात, मेरा ताल्लुक सियालकोट न्यूज़ से है, मेरा नाम मुसव्वर अली है। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें चाहिए कि हम कवानीन को प्रॉपर तौर पे फॉलो करें, जो कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हमें कह रखा है कि आप दुकानें ओपन नहीं कर सकते, चाहे जितने भी कारोबार हैं आपके। हम समझते हैं ये सिचुएशन कुछ ऐसी गुजर रही है जिसमें हम आपकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुकानें ये समझ के ओपन करना, जब आपको एक प्रॉपर टाइम दे रखा है कि 5 बजे तक दुकानें आप खोल सकते हैं, तो रात के टाइम इफ्तारी के बाद ये दुकानें ओपन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। कुछ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 15 पे मैंने कॉल की, 15 पे कॉल की, और 15 पे कॉल करने के बाद मुझे एक नंबर दिया गया जो वाको थाना लगता था, हाजीपुरा थाना लगता था।
उसका मुझे वहाँ पे नंबर दिया गया, मैंने वहाँ पे कॉल की तो उन्होंने मुझे एक और बंदे का नाम दिया कि जी वो ऑन ड्यूटी है, उनको कॉल कर लें, अली जैन नाम का वो शख्स है, आप उसको कॉल कर लें, वो तैनात है उस वक्त ड्यूटी पे। उनको कॉल की तो वो कह रहे हैं जी बड़े बंदे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको दुकानें बंद करवाते हैं, वो फिर ओपन करवा लेते हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला जो है वो चल रहा था वहाँ पर। उनकी बात सुन के मैंने कॉल ड्रॉप की और दोबारा 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद मुझे मैंने उनको सिचुएशन बताई कि क्या ये कानून है हमारा कि हमें एक घंटा हो गया आपकी कॉल का वेट करते हुए कि आप अभी आते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप इसी वक्त कॉल चलाएं और इसी वक्त पुलिस को इतला करें कि वो यहाँ पे आए। मुझे 10 मिनट बाद फिर कॉल आ गई एक एहलकार की, उन्होंने मुझे बोला कि हम सरदार बेगम हॉस्पिटल के पास हैं, आप वहाँ पे आ जाएं। वहाँ पे वो पुलिस मोबाइल के साथ आए, 4-5 अफराद थे वो आए। वहाँ पे आके उन्होंने दुकान पे वक्त पे छापा मारा, लेकिन सिचुएशन कुछ ये थी कि जो वहाँ का शख्स था, उस दुकानदार था, उसको पहले वो पुलिस वाला सरमद नामी पुलिस वाला इतला कर चुका था कि जी हम वहाँ पे दुकान पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी गुफ्तगू के दौरान ये बात सुनी। वो ये कह रहे थे कि हम दुकान पे आ रहे हैं और वहाँ पे आके तो हमने ये सिचुएशन क्रिएट करनी। ये बात का मुझे इस तरह से पता चला कि जब हम वहाँ पे वो छापा चल रहा था, उस दौरान उस दुकानदार ने वो सरमद नामी एहलकार को ये कहा कि सर तुसी मैनू कॉल की सी ते मैं समझ गया सा, लेकिन मेरी अपनी सिस्टर उत्ते आई दी सी। मतलब ये बातें करके 6 अदद खवातीन एक दुकान में घुसी हुई थी, 2 अदद खवातीन एक दुकान में घुसी हुई थी, वो आपस में उनका था कोई सिस्टम, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी बात करने का मकसद ये कि हमारे कानून में अभी तक यही सिस्टम जारी और सारी है कि वो लोग कॉल करते हैं, लेकिन ये सारा प्री प्लान्ड होता है। हमारा सिस्टम जो था वो हम आपको सियालकोट न्यूज़ के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।